हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं मिसेकर, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल कॉन्फिडेंस पॉइंट पर स्वागत करते हैं। दोस्तों, आप विजिट करें कॉन्फिडेंस पॉइंट पर। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमें उम्मीद है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ ही साथ लेटेस्ट वीडियो को नोटिफिकेशन पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल को भी दबा देंगे। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एक्सरसाइज 8.4, जिसके हमने कुछ क्वेश्चंस प्रीवियस वीडियो में हमने सॉल्व किया था। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप सबसे पहले उस वीडियो को देख लीजिए। उसमें हमने जो हमारे पास फॉर्मूले हैं ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज़ इक्वल टू 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज़ इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा एंड 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज़ इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, इसको कैसे प्रूव करना है उसकी बात भी हमने उसी वीडियो में किया है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप उस वीडियो को देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। प्रूफ द फॉलोइंग आइडेंटिटीज वेयर द एंगल इन्वॉल्व आर इक्विट एंगल्स फॉर विच द एक्सप्रेशंस आर डिफाइंड। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 में जो है आपको क्या करना है, प्रूफ करना है LHS इक्वल टू RHS। इसमें आपको क्या करना है, आइडेंटिटीज का यूज करना है। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास cosec थीटा माइनस cot थीटा का स्क्वायर इक्वल में है 1 माइनस cos थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा। देखो कैसे सॉल्व करना है, इसमें हमें क्या करना है, आइडेंटिटीज यूज करना है। क्या यूज करेंगे, आइडेंटिटी यूज करेंगे, ठीक है ना। आइडेंटिटी यूज करके इसको सॉल्व करना है। तो देखो इसमें सबसे पहले हम ले लेते हैं LHS। LHS है हमारे पास cosec थीटा माइनस cot थीटा का स्क्वायर, cosec थीटा माइनस cot थीटा का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे, देखो कॉसिक थीटा को क्या ले सकते हैं, 1 बाय साइन थीटा। इसको क्या ले सकते हैं, हम कॉस थीटा बाय साइन थीटा का होल स्क्वायर। ये वाला आइडेंटिटीज यूज किया हमने, कौन सा, कॉट थीटा और साइन थीटा वाला आइडेंटिटीज यूज किया इसमें, ठीक। देखो साइन थीटा सेम है, एलसीएम है, तो साइन थीटा को एलसीएम हो जाएगा तो क्या बचेगा, 1 माइनस cos थीटा का स्क्वायर, ठीक है। तो यह जाएगा 1 माइनस cos थीटा का स्क्वायर बाय साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि होल स्क्वायर में है, तो एक बार ऊपर वाले का स्क्वायर जाएगा, एक नीचे वाले का स्क्वायर जाएगा। अब साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं, तो साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालते हैं हम आइडेंटिटीज फर्स्ट से, क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज गोस्टू कितना है, 1। तो यहां से हम निकालेंगे साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू, तो साइन स्क्वायर थीटा इज गोस्टू जब 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा की जगह हम क्या पुटिंग कर सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यहां पे पुटिंग कर देंगे LHS में, यह हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, क्लियर है। यहाँ पे 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं हम, 1 का स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे हम एक आइडेंटिटी यूज करेंगे, फॉर्मूला यूज करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी और ए माइनस बी, फॉर्मूला यूज करते हैं तो क्या आएगा, देखो 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। देखो 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा, एक 1 माइनस कॉस थीटा से एक 1 माइनस कॉस थीटा का जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू जाएगा RHS, प्रूफ्ड। देखो सेकंड नंबर क्वेश्चन है कॉस ए बाय 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बाय कॉस ए इज इक्वल टू 2 सेक ए इज इक्वल टू 2 सेक, ये प्रूफ करना है। LHS ले लेते हैं, क्या करते हैं, LHS ले लेते हैं, देखो LCM लो इसमें, LCM क्या जाएगा, 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए,
एलसीएम क्या जाएगा, सॉरी सबसे पहले एलएचएस लिख लो, एलएचएस हमारे पास कॉस ए बाय वन प्लस साइन ए प्लस वन प्लस साइन ए बाय कॉस ए। सबसे पहले एलसीएम ले लो इन दोनों का, तो जाओ वन प्लस साइन ए और इंटू कॉस ए एलसीएम हो जाएगा। तो इसका कॉस ए का कॉस ए से मल्टीप्लाई हो जाएगा, वन प्लस साइन ए का वन प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या जाएगा ये कॉस स्क्वायर ए प्लस वन प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, वन प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। क्लियर है? ओम इधर देख, कॉस स्क्वायर ए, इसको आप इसका फॉर्मूला करो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला करो, क्या जाएगा ए का स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर प्लस टू साइन ए अपॉन वन प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। क्लियर हो गया? अब देखो इसमें कॉस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए को एक साथ ले लो, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस वन प्लस टू साइन ए बाय वन प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है, देखो इसका वैल्यू कितना जाएगा, वन। आइडेंटिटी फर्स्ट यूज करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना आता है वन, तो इसका वैल्यू हो जाएगा वन प्लस टू साइन ए बाय वन प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। तो क्या होगा, अब वन इंटू वन क्या जाएगा टू, वन प्लस वन टू, टू प्लस टू साइन ए बाय वन प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। टू कॉमन हो जाएगा तो क्या बचेगा, वन प्लस साइन ए बाय वन प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। वन प्लस साइन ए से वन प्लस साइन ए कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा टू बाय कॉस ए। तो जब टू वन बाय कॉस, वन बाय कॉस को क्या ले सकते हम, सेक थीटा। देखो ये वाला आइडेंटिटीज यूज करेंगे, कॉस थीटा इज इक्वल टू वन बाय सेक थीटा और सेक थीटा इज इक्वल टू जो वन बाय कॉस थीटा, तो वन बाय कॉस थीटा की जगह क्या ले सकते हैं सेक थीटा, टू यहाँ टू सेक ए। तो ये जगह हमारा आर एच एस, ठीक है ना, प्रूफ। तो कुल मिला देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड है, टेन थीटा अपॉन वन माइनस टेन थीटा अपॉन वन माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन वन माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू वन प्लस सेक थीटा इंटू कॉस सेक थीटा, ये प्रूफ करना है। ठीक, ये एक्सप्रेशन दे रहा है इसके इक्वल, इसको प्रूफ करना है। एलएचएस ले लेते हैं, क्या करते हैं एलएचएस टेन थीटा अपॉन वन माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन वन माइनस टेन थीटा, ठीक ना। अब यहाँ पे इसको हम क्या करेंगे, चेंज करते हैं एक्सप्रेशन यूज करते हैं टेन थीटा एंड कॉट थीटा का। देखो टेन थीटा इज टू क्या है, साइन थीटा अपन कॉस थीटा, कॉट थीटा इज टू कॉस थीटा अपन साइन थीटा, नहीं एलसीएम लेके पहले साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लो उसको, ठीक ना, सिंपल हो जाएगा। तो एलसीएम में कोई फॉर्मूला नहीं बनेगा ना, आइडेंटिटीज यूज नहीं होगा ना टेन थीटा एंड कॉट थीटा में, टेन थीटा एंड कॉट थीटा के टर्म्स में हमारे पास कोई आइडेंटिटीज नहीं है, इसीलिए साइन थीटा कॉस थीटा में आएगा तो एक आइडेंटिटीज तो हमारे पास है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना जाएगा वन, एक आइडेंटिटीज हम यूज कर सकते हैं, इसीलिए हम इसको कन्वर्ट कर रहे हैं। तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बाय वन माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा बाय वन माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। क्लियर है? अच्छा, यहाँ पे हम यूज करेंगे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो ऐसे रहेगा, इसके अपॉन में वन ले लो और एलसीएम लो, साइन का तो मल्टीप्लाई हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, साइन थीटा रहेगा ना इन दोनों का एलसीएम, प्लस ये हो जाएगा तुम्हारा कॉस थीटा बाय साइन थीटा अपॉन कॉस का तो मल्टीप्लाई हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। क्लियर है? देखो साइन का मल्टीप्लाई हो जाएगा साइन के साथ, इसका इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक, कॉस का साथ मल्टीप्लाई होगा इसका इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा
साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ठीक है। देखो ये ऊपर चला जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, बता रहा एक चीज साइन थीटा, ठीक है ना। इसमें से कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है ना, यहाँ पे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है। अगर इसमें से माइनस कॉमन ले लेते हैं, इस वाले टर्म्स में से हम क्या करते हैं माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो माइनस प्लस क्या जाएगा माइनस, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, आएगा क्लियर है। किसमें ये बात तो फिर वही आएगा ना, प्लस का से मल्टीप्लाई कर देंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ना, बात तो वही आएगा, ठीक है। अब इन दोनों का एलसीएम ले लो, इन दोनों का एलसीएम ले लोगे तो साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा आएगा, है साइन के इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा कॉस का, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये दोनों इसमें सेम है तो इसलिए इसका मल्टीप्लाई नहीं होगा। तो इसका अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो जाएगा साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा आएगा। अब यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज करो, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, क्या होता है ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये वाला फॉर्मूला इसमें यूज करो, ठीक। तो देखो क्या आएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। हमने फॉर्मूला यूज किया अपॉन बट्टी में जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब देखो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से क्या जाएगा ये कैंसल आउट हो जाएगा, यहाँ पे बीच में माइनस है कैंसल आउट हो जाएगा ये। अच्छा अब यहाँ पे आइडेंटिटीज यूज होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसके क्या जाएगा पूरे की जगह वन आ जाएगा, तो जाएगा वन प्लस साइन थीटा कॉस थीटा बटे साइन थीटा कॉस थीटा, तो वन बाय साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा बाय साइन थीटा कॉस थीटा, लिख सकते हैं। देखो इसको एक बार वन के अपॉन में लिखेंगे, एक बार इसके अपॉन में लिखेंगे अकॉर्डिंग टू एलसीएम लॉ, ठीक ना। इससे कैंसिल आउट हो जाएगा वन बचेगा, और यहाँ पे बचेगा वन बाय साइन क्या जाएगा वन बाय साइन कोसेक थीटा, ठीक ना, और वन बाय कॉस क्या जाएगा सेक थीटा प्लस वन, ये आ जाएगा आर एच एस। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ पार्ट इसका, क्वेश्चन नंबर फोर्थ, वन प्लस सेक, वन प्लस सेक ए बाय सेक ए इज इक्वल टू है साइन स्क्वायर बाय वन माइनस कॉस है, साइन स्क्वायर ए अपॉन वन माइनस कॉस है, ठीक ना। ये इसको प्रूफ करना है, तो यहाँ पे देखो इस क्वेश्चन में हमें करना क्या है, एल एच एस को भी सॉल्व करना है और आर एच एस दोनों को सॉल्व करना है, हैं एक को सॉल्व करके देख करा दूंगा, लेकिन ऊपर से जाएगा सर नहीं सर अंदर से लेना सर, ठीक है। तो देख वन बाय सेके प्लस सेके बाय सेके, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा one. क्या जाएगा वन वन बाय कॉस वन बाय सेक क्या जाएगा कॉस, तो कॉस ए प्लस वन प्लस वन बचेगा, ठीक ना। इसमें क्या करो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो वन माइनस कॉस ए से वन माइनस कॉस ए से, मतलब एल एच एस को लेके सॉल्व कर रहे पूरा। अगर एल एच एस और आर एच एस को सॉल्व करोगे तो एल एच एस को यहां तक छोड़ दोगे फिर आर एच एस को सॉल्व करोगे आगे, ठीक है। हाँ देखो इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या जाएगा वन प्लस कॉस ए वन माइनस कॉस ए बाय वन माइनस कॉस ए, देखो ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी क्या जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो वन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर अपॉन वन माइनस कॉस ए। अब देखो वन माइनस कॉस स्क्वायर है, क्या लिख सकते हैं इसको वन माइनस कॉस स्क्वायर ए की जगह लिख सकते हैं हम
साइन स्क्वायर ए वन माइनस कॉस ए इज़ टू क्या जाएगा ये आर एच एस ठीक है। और कहके अगर आर एच एस लेके सॉल्व करोगे तो एल एच एस को यहां तक छोड़ोगे, एल एच एस को यहां तक छोड़ोगे ठीक है। इसका आगे हम सॉल्व नहीं करेंगे, फिर आर एच एस को सॉल्व कर लेंगे। आर एच एस हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर ए बाय वन माइनस कॉस ए, तो साइन स्क्वायर ए की जगह ले सकते हैं वन माइनस कॉस स्क्वायर ए, आइडेंटिटीज फर्स्ट का यूज करेंगे ठीक है ना, क्योंकि कॉस को धर लिया तो साइन स्क्वायर ए से हो चुका है वन माइनस कॉस स्क्वायर ठीक है, वन माइनस कॉस ए, तो इसका स्क्वायर ले सकते हैं यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करेंगे वन प्लस कॉस ए और वन माइनस कॉस ए, हाँ रिवर्स किया है बस कॉस ए वन माइनस कॉस ए से वन माइनस कॉस ए कैंसल, तो वन प्लस कॉस ए इज इक्वल टू क्या जाएगा ये आर एच एस प्रूफ्ड। देखो क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस वन बाय कॉस ए प्लस साइन ए माइनस वन इज इक्वल टू कॉसिक ए प्लस कॉट ए यूजिंग द आइडेंटिटी कॉसिक स्क्वायर ए इज इक्वल टू वन प्लस कॉट स्क्वायर ए ठीक है ना, मतलब हमें ये जो आइडेंटिटीज है इस आइडेंटिटी का यूज करना है, इसमें इस आइडेंटिटी का यूज करके हमें सॉल्व करना है। तो देखो ये जो आइडेंटिटी वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, अगर इस आइडेंटिटी का यूज करना है तो सबसे पहले यहां पे साइन कॉस जो है उसको कन्वर्ट करना होगा कॉट और कॉसिक में, किसमें कन्वर्ट करना होगा कॉट और कॉसिक में। तो इसके लिए हम क्या करेंगे एल एच एस ले लेते हैं, एल एच एस इज हो जाएगा कॉस ए माइनस साइन ए प्लस वन बाय कॉस ए प्लस साइन ए माइनस वन, इसमें क्या करता है डिवाइड करता ऊपर नीचे साइन से, डिवाइड या डिवाइडेड बाय साइन ए ठीक ना, डिनोमिनेटर एंड न्यूमिनेटर दोनों में किससे डिवाइड करते हैं साइन ए से डिवाइड करते हैं। देखो कॉस ए बाय साइन ए माइनस बाद नहीं साइन ए प्लस वन बाय साइन ए डिवाइडेड बाय कॉस ए बाय साइन ए प्लस साइन ए बाय साइन ए माइनस वन बाय साइन ए, क्लियर है वन अपॉन साइन ए से डिवाइड कर, हाँ साइन ए से पूरे को डिवाइड कर दिया, इसको पूरे को डिवाइड कर दिया साइन ए से ठीक है, क्योंकि यहां से वन बाय साइन आ जाएगा, यहां से वन बाय साइन आ गया कैंसिल आउट हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो कॉस बाय साइन क्या हो जाएगा कॉट कॉट ए माइनस वन प्लस कॉसेक ए बाय कॉट ए प्लस वन माइनस कॉसेक ए। अब क्या करेंगे इसका रैशनलाइज करेंगे, क्या करेंगे इसका रैशनलाइज करेंगे, किससे रैशनलाइज करेंगे कॉसेक ए प्लस कॉट ए बाय कॉसेक ए प्लस कॉट ए हैं नहीं, इससे रैशनलाइज करो। देखो ये जो टर्म्स है ना बस नकल कर लो, ये वाला टर्म्स है इस टर्म्स ऊपर नीचे क्या करो इसके मल्टीप्लाई कर लो, सिंपली आ जाएगा ठीक। देखो कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस वन ये हो जाएगा कॉसेक ए प्लस कॉट ए, इसको तो ऐसे रख लो ठीक, नीचे इसको चेंज करोगे तो लिखो इसको कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस वन ओम, सीधे तो देख बेटा नहीं तो बहुत मारूंगा तुझे बता रहा हूं मैं, कॉसेक ए प्लस कॉट ए किससे कैंसिल हो जाएगा इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि हमने यहां पे मल्टीप्लाई किया यहां पे कैंसिल आउट करेंगे क्यों है कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस
वन यह जाएगा कॉसेक ए प्लस कॉट ए, ये तो ऊपर वाला तो ऐसे रहेगा, नीचे इसको मल्टीप्लाई करो, देखो बात नहीं, ये देखो देखो कॉट ए माइनस कॉसेक ए इंटू कॉसेक ए इंटू कॉट ए, तो ए देखो ए प्लस ए माइनस बी ए प्लस बी हो जाएगा फॉर्मूला है, तो क्या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो जो कॉट स्क्वायर ए माइनस कॉसेक स्क्वायर ए आ जाएगा। अब वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस कॉसेक ए प्लस कॉट ए, देखो इस टर्म्स को एक बार देखो, इस टर्म्स को इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहे एक बार और इसको वन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, वन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा ठीक है। हाँ अब कॉट स्क्वायर ए माइनस कॉसेक स्क्वायर ए क्या लिख सकते हैं हम इसको, देखो हमारे पास आइडेंटिटी क्या है, ये है ना वन प्लस कॉट स्क्वायर ए इजिकल्स टू कॉसेक स्क्वायर ए, ये आइडेंटिटीज है ना हमारे पास, कॉसेक स्क्वायर को इधर ले आओ तो ये कॉट स्क्वायर ए माइनस कॉसेक स्क्वायर ए इजिकल्स टू माइनस वन, वन को उधर ले जाएंगे तो क्या जाएगा माइनस वन में कन्वर्ट हो जाएगा, तो इसकी जगह क्या लिखेंगे माइनस वन, तो यह आ जाएगा हमारा कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस वन कॉसेक ए प्लस कॉट ए, यह हो जाएगा माइनस वन प्लस कॉसेक ए प्लस कॉट ए। देखो अगर इसको थोड़ा सा अरेंज करेंगे तो सेम यही टर्म्स बनेगा, देखो कॉट ए प्लस का है कॉसेक ए प्लस का है माइनस वन सेम है ना, तो ये से कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा हमारे पास कॉसेक ए प्लस कॉट ए इज़ टू क्या जाएगा आर एच एस है ना, मत रहने ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली करना क्या है, इसमें सिंपली इस क्वेश्चन में जो यहाँ पे कॉसेक ए प्लस कॉट ए है इससे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना है, मल्टीप्लाई करके ऊपर वाले टर्म्स को ऐसे रखना है, या तो तुम रैशनलाइज कर सकते हो, रैशनलाइज करोगे ना तो क्या होगा माइनस यहाँ पे फिर प्लस वन है, क्योंकि इसमें कन्वर्ट करना है ना साइन को किस कॉस को किस में कन्वर्ट करना है कॉट में कन्वर्ट करना है और कॉसिक भी लाना है, तो वन बाय साइन क्या हो जाएगा कॉसिक हो जाएगा, तो इसे या तो ऊपर से साइन कॉमन ले लो नीचे से साइन कॉमन ले लो, या तरीका है कि ऊपर वाले टर्म्स को साइन से डिवाइड कर दो नीचे वाले टर्म्स को भी साइन से डिवाइड कर दो, क्योंकि ऊपर नीचे अगर साइन से डिवाइड करेंगे ना इसमें ऊपर नीचे क्या करेंगे साइन से अगर डिवाइड करेंगे कोई फर्क पड़ेगा इक्वेशन में, ये कैंसिल आउट हो जाएगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसलिए ऊपर वाले टर्म्स को साइन से डिवाइड कर दिया नीचे वाले टर्म्स को साइन से डिवाइड कर दिया। और बात रही इसकी, अगर ये आइडेंटिटीज आता है इस आइडेंटिटीज का यूज करके तुम्हें सॉल्व करना है तो ध्यान रखना ठीक ना, जो आरएचएस में सॉल्व दे रखा है इसी से ऊपर नीचे क्या करेंगे हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर वाले टर्म्स को ऐसे रख देंगे, ऊपर वाले टर्म्स ऐसे क्यों रखेंगे ये देख, ऊपर वाले टर्म ऐसे क्यों रखेंगे क्योंकि ये चीज हमें चाहिए, ये बचेगा लास्ट तक, नीचे को नीचे वाले टर्म्स को सॉल्व करेंगे तो इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा जो लास्ट में हुआ है कैंसिल आउट, लास्ट में वाला टर्म्स बच जाएगा ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा बातें नहीं ठीक है, ज्यादा बातें करने लगे हो तुम लोग आजकल। देखो सिक्स नंबर क्वेश्चन है स्क्वायर रूट ऑफ वन प्लस साइन ए वाई वन माइनस साइन ए इज इक्वल टू क्या जाएगा sec a प्लस टेन ए, sec a प्लस टेन ए ये प्रूफ करना है। देखो सिंपल क्वेश्चन है, बात नहीं मोबाइल लग दे। देखो LHS ले लेते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ वन प्लस साइन अपॉन वन माइनस साइन ए, करना क्या है इसमें ऊपर नीचे क्या करते हैं हम रैशनलाइज करते हैं, ऊपर नीचे क्या करते हैं रैशनलाइज कर दो
वन प्लस साइन ए से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, वन प्लस साइन ए, वन प्लस साइन ए, ठीक है। तो जब वन प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, तो ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो वन माइनस साइन स्क्वायर ए का स्क्वायर रूट, अब देखो वन प्लस साइन ए का स्क्वायर, ठीक ना, और वन माइनस साइन स्क्वायर है, इसकी जगह क्या जाएगा, कॉस स्क्वायर है। आइडेंटिटी कौन सा यूज करेंगे आप, फर्स्ट फर्स्ट आइडेंटिटी यूज करेंगे, तो वन माइनस साइन स्क्वायर इज गोस्ट क्या जाएगा, कॉस स्क्वायर ए, ठीक ना। देखो इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर रूट क्या जाएगा कैंसल, तो वन प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, तो वन प्लस कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, वन बाय कॉस ए क्या जाएगा सेके, नहीं ठीक ना, तो ये जाएगा सेके प्लस टेन इज इक्वल टू क्या जाएगा आर एच एस आ जाएगा, ठीक ना। तो सिंपल क्वेश्चन है, इसमें करना क्या हमें रैशनलाइज करना है, किसका रैशनलाइज करना है, न्यूमिनेटर का या डिनोमिनेटर का, ठीक है ना, रैशनलाइज करके सॉल्व कर लेंगे। आइडेंटिटी हम क्या करेंगे, फर्स्ट यूज करेंगे। तो क्वेश्चन मैंने वही है कि आइडेंटिटीज को तुम्हें चेंज करना आना चाहिए, आइडेंटिटी को अगर चेंज कर रहे हो, बुलेट पुलेट अगर कर सकते हो, तब जाके ट्रिग्नोमेट्री तुम्हारे बस की बात है, अदरवाइज नहीं हेल्प करेगा, ठीक है। ऊपर से चले जा रहा है सब, नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है क्वेश्चन समझ में, ये समझ में नहीं आया सर, जो संडे को जो सैटरडे को आया था सर, वो इतना मस्त में समझ आया था सर, वो अब इसके बाद आज का क्वेश्चन, क्योंकि आइडेंटिटी, एक तो आइडेंटिटी लर्न होना चाहिए ना, आइडेंटिटी और पूरा मैकेनिज्म है, मतलब पूरा तुम्हें क्या करना है, रैशनलाइज करना है, सॉल्व करना है, प्लस माइनस वो सारी चीजें, आइडेंटिटी नहीं है सर, आपने ये जो करा था सबसे बड़े मजे में